नमस्कार दोस्तों, शेर सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज दिखाएंगे जो आपके घर में घरेलू गैस जो यूज होता है और गैस एजेंसी पर जी या गोदाम पे डिलीवरी मैन कैसे सील निकाल कर गैस की चोरी करते हैं। मैं इसमें केवल सील तोड़ना ही बताऊंगा, कैसे लोग सील को तोड़ते हैं, बिना सील फाड़े हुए ढक्कन को कैप को बाहर निकालते हैं। मैं उस चीज़ को आज दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पास सिलेंडर है और इसका ये जो कैप है पूरा पॉलिथीन से इसका पैकिंग है और इस कैप को बिना प्लास्टिक बिना कैप तोड़े सिलेंडर का मुंह का जो ढक्कन है इसको बाहर मैं निकालूंगा और कैसे निकलता है इसके बाद ये कैसे चोरी करते हैं आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा। आप लोग पहले से और अब से सावधान रहें। आगे चलते हैं, इस ढक्कन को हम लोग निकालेंगे। पहले ध्यान से देख लें, मेरे पास सील है, कहीं से कहीं फटा नहीं है, चारों तरफ से दिखाना चाहूँगा, कहीं भी नहीं फटा है। और इस ढक्कन को मैं केवल दो उंगली के सहारे इस ढक्कन को भरे सिलेंडर से बाहर निकालूंगा और मैं दिखाऊंगा। इसके बाद आसानी रहता है चोरी करने के लिए, जो गैस निकाला जाता है उसके बाद कस्टमर को बेचा जाता है। इसमें 14 किलो 200 ग्राम गैस होता है, उसके बाद इसमें निकाल लेते हैं लोग। आगे चलते हैं, वीडियो में पूरा बने रहे। सबसे पहले केवल मैं दो उंगली लगाऊंगा। आप लोग भी अपने घर पे ऐसे प्रैक्टिस करके एक बार आजमाएं और पुनः मुझे कमेंट में करके सलाह दें वाकई में ऐसे होता है नहीं। अब चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। दो उंगली लगाऊंगा, थोड़ा सा इसको हिलाऊंगा और निकल जाएगा आराम से। मैं दिखा देता हूँ, मेरे मुट्ठी में है, खोलता हूँ, मेरे सामने कैप निकल के बाहर आ गया। आराम से इसको हम देखिए, यहाँ से कैप निकल गया है, मैंने कैप को निकाल दिया हूँ और मेरे पास यही सिलेंडर है जो इसका मैं दो उंगली के सहारे से ऐसे करके निकाला। और कैसे ये काम करता है हाथ, इस पर कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बताऊंगा। फिर से वही ढक्कन को मैं उसी सिलेंडर में लगाऊंगा और फिर निकालूंगा। धीरे से इसको हम डालेंगे क्योंकि इसका रैपर फटना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से निकालना चाहूँगा, दो उंगली लगाया, मैं दो उंगली को दिखा देता हूँ, टाइट पकड़ना इसको और हिलाते वक्त, ऐसे हिलाते वक्त इसको ऊपर निकालना, निकल जाएगा आराम से। ऐसे लोग सील पैक ढक्कन को बाहर निकालते हैं और उसके बाद गैस से चोरी करते हैं। जो 14 किलो 200 ग्राम गैस आता है उसमें से 2 किलो या ज़्यादा 2.5 किलो गैस ही निकालते हैं और निकाल के कस्टमर को बेच देते हैं। कस्टमर लोग परेशान होते हैं, वो अपना कंप्लेन अपना एजेंसी पे या गोदाम पे अपना कंप्लेन करते हैं। बराबर एजेंसी वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई गलती नहीं हुई। जो गलती करते हैं वो डिलीवरी मैन करते हैं, जो सप्लाई देते हैं, जो कस्टमर को बराबर पहुँचाते हैं उन डिलीवरी वाले, ऐसे उन लोग चोरी करते हैं, ढक्कन निकालते हैं। मैं सामने लिया हूँ अपने हाथ में ढक्कन, अच्छी तरह से बिना फाड़े निकालते हैं। आप लोग भी यदि ऐसे प्रैक्टिस करना है, जानना है इस चोरी के बारे में, तो घर पे आराम से एक आध बार, दो बार, 10 बार से अधिक भी ट्राई करके एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे निकलता है, कैसे लोग चोरी करते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसी वीडियो में, जो एजेंसी पर जो ट्रक के माध्यम से जो सिलेंडर प्लांट से आता है एजेंसी पर, जो लेबर लोग रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, वो सिलेंडर का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें ट्रक से ऐसे उठाकर नीचे पटक देते हैं। ऐसे नहीं पटकना चाहिए क्योंकि फिर भी बहुत मजबूत लोहे से बॉडी से बना रहता है। आप लोग के साथ धोखा हो सकता है, उन लोगों को भी साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि पटकते पटकते इस लोहे का जो है टेम्परेचर हीट हो जाता है, बॉडी कमज़ोर हो जाती है, आप लोग के साथ घटना हो सकती है जो ऐसा आप लोग कभी सोच नहीं सकते। क्योंकि आप लोग देखते कभी भी एजेंसी में जाते हैं तो जो हाथ का पकड़ने वाला जो हैंडल है ये टेढ़ा होता है, नीचे का भी जो है ये वाला राउंड रिंग ये भी टेढ़ा रहता है, तो पटकते पटकते ये सिलेंडर टेढ़ा हो जाता है। ऐसा कभी आप लोग भी घर पे, जैसे घर पे मोटरसाइकिल पे या बाइक से लाते हैं सिलेंडर लाकर अपना पटक देते हैं, इसे कभी पटकना नहीं चाहिए। आगे से आप लोग ध्यान दें और मेरा बात को याद रखें। कृपया मेरे वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।